बिहार लाइव सेवन खबर की तह तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर चलाए जा रहे सेवा पखवाड़ा के तहत मंगलवार को भाजपा के जहानाबाद जिला कार्यालय में एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन कर जहानाबाद एवं अरवल जिले के पुराने पार्टी कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर दोनों जिले के अलावा प्रदेश के कई वरीय पार्टी के नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जहानाबाद जिला अध्यक्ष सुरेश कुमार शर्मा की अध्यक्षता में हुई। इस कार्यक्रम में पूर्व विधान पार्षद सह प्रदेश उपाध्यक्ष राधा मोहन शर्मा, प्रदेश कार्य समिति के वरीय सदस्य सह वरिष्ठ नेता अजीत शर्मा, अजेंद्र शर्मा, उपाध्यक्ष मनोरंजन कुमार बिक्कू सहित कई वरीय नेता कार्यकर्ताओं के सम्मान को लेकर पूरे दिन सक्रिय रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश संगठन महामंत्री भीखू भाई दालसानिया शामिल हुए। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष सह पूर्व विधान पार्षद राधा मोहन शर्मा, विधान पार्षद सह सभापति अवधेश नारायण सिंह, प्रदेश प्रवक्ता सह पूर्व विधायक मनोज शर्मा, पूर्व विधान पार्षद रामकिशोर शर्मा, अरवल जिला अध्यक्ष अजय पासवान, अरवल जिला प्रभारी डीडी शर्मा समेत कई लोगों ने सम्मान समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर अरवल एवं जहानाबाद के पूर्व जिला अध्यक्षों सहित वरिष्ठ पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रदेश संगठन महामंत्री के द्वारा अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन जिला महामंत्री निरंजन कुमार उर्फ बबलू ने किया एवं धन्यवाद ज्ञापन जिला उपाध्यक्ष कार्यक्रम प्रभारी बिमलेश शर्मा ने किया। सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए प्रदेश संगठन महामंत्री ने कहा कि कार्यकर्ताओं के बल पर ही आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। दरअसल इसके पीछे भी असली वजह यही है कि संगठन के कार्यकर्ताओं को पूरा सम्मान दिया जाता है और उनका सम्मान का ख्याल रखा जाता है। प्रदेश प्रवक्ता मनोज शर्मा व उपाध्यक्ष राधा मोहन शर्मा ने कहा कि कार्यकर्ताओं का सम्मान भाजपा की परंपरा के मूल में है, क्योंकि कार्यकर्ता संगठन की रीढ़ होते हैं। जिला अध्यक्ष सुरेश शर्मा ने कहा कि आज पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं का सम्मान करके हम गौरव की अनुभूति महसूस कर रहे हैं। शर्मा ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि पुराने कार्यकर्ताओं से हमें हमेशा सीखने की प्रेरणा मिलती है और उनके किए गए कार्य के बल पर ही आज पार्टी यहाँ तक पहुँचा है। आज भारतीय जनता पार्टी जहानाबाद इकाई के द्वारा अरवल और जहानाबाद जिले के पुराने और समर्पित कार्यकर्ताओं के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया जिला कार्यालय में। आज इसे पंडित प्रभाकर शर्मा सभागार में हमें बेहद बहुत ही खुशी हुई कि आज अरवल के और जहानाबाद के जितने भी जनसंघ काल से काम करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी में कार्य कर ऐसे कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हुआ। हमारे लिए सौभाग्य की बात है और बहुत हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। क्या लगता है पुराने कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के साथ साथ बिहार में जो जिस तरीके से आप लोग की कमजोर स्थिति हो रही उसे मजबूत करने का लक्ष्य है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य राष्ट्र सेवा रहता है और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सेवा और समर्पण के माध्यम से भारत माता को परम वैभव पर ले जाने के लिए कार्य करते हैं। हमारा पहले राष्ट्र तब पार्टी तब व्यक्ति होता है और कहीं न कहीं हम पूरे पार्टी कार्यकर्ता अपने तन मन धन से पार्टी में सेवा भाव के रूप में कार्य देते हैं। हम लोग का उद्देश्य केवल सत्ता नहीं, हम लोग का उद्देश्य राष्ट्र को कैसे आगे बढ़ाना है, यही उद्देश्य लेकर हम लोग कार्य करते हैं। क्या इस तरीके के कार्यक्रम से 2024 की तैयारी समझा जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सेवा पखवाड़ा के तहत 17 तारीख से 2 अक्टूबर तक कार्यक्रम प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व द्वारा प्रायोजित है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के मौके पर हम पुराने कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने का कार्य किए हैं और भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है और इसका उद्देश्य केवल और केवल है कार्यकर्ताओं का सम्मान। इसको दूर दूर तक हम राजनीतिक चश्मे से नहीं देखते हैं, लेकिन हमारा संगठन का कार्य बराबर बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक सदैव चलता रहता है और सदैव चलता रहेगा। सर बताइए, आज क्या कार्यक्रम था और इसका मकसद क्या था? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर
हमारा भारतीय जनता पार्टी का सेवा पखवाड़ा पूरे इंडिया में चल रहा है, पूरे भारत में। उसके अंतर्गत आज जहानाबाद और अरवल जिले के सभी वरिष्ठ जितने हमारे जनसंघ काल के कार्यकर्ता थे, सभी सम्मानित कार्यकर्ता को यहाँ सम्मान दिया गया और प्रतिभोज आपस में जिला के जितने जनसंघ काल से अभी तक के कार्यकर्ता हैं, सभी कार्यकर्ताओं को भोज में सम्मान किया गया। और जितने मंडल के जिला के पदाधिकारी, मंडल के पदाधिकारी, मोर्चा, जिला अध्यक्ष, सभी लोगों को एक दूसरे से परिचय का काम मैंने हुआ। पूरे जिले से लगभग 350 लोग आज इस कार्यक्रम में भाग लेने आए। सारे वरिष्ठ लोग आ गए, सबसे बड़ी खुशी की बात ये है, सारे वरिष्ठ लोग आए और ऐसे लोग आए जो हम लोग से मुलाकात उनके चलने की स्थिति नहीं था। लेकिन माननीय भिक्खू भाई जी जो प्रदेश के संगठन महामंत्री हैं और अवधेश नारायण सिंह जी जो पूर्व सभापति हैं, उनका भी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और इस प्रकार से आज पूरा आयोजन सफलतापूर्वक हम लोग निभाए हैं। क्या लगता है इस सम्मान समारोह को जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनको सम्मानित करने के साथ 2024 की तैयारी शुरू हुई है? 2024 की पूरी तैयारी है। हम एक कार्यक्रम ये कर करके एक संदेश देना चाहते हैं, पूरे लोकसभा में कार्यकर्ताओं को दिया है कि हम सब एकजुट हैं पूरे देश में। हम नीतीश और लालू की सरकार जो महागठबंधन सरकार है उससे उसको हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हम अपनी तैयारी प्रारंभ कर दी है और हर हाल में 2024 में हम प्रस्तुत करेंगे और हर हाल में हम चुनाव, हम जो 40 सीट है उसमें से 35 सीट हम लोग जीतेंगे, 35 के 35 जीतेंगे, ये हम लोग उसकी तैयारी प्रारंभ कर रहे हैं। क्या ये संघर्ष करना जो पड़ रहा है वो महागठबंधन की वजह से करना पड़ रहा है, ऐसा मानते हैं आप? महागठबंधन नीतीश कुमार की वजह से करना पड़ रहा है। नीतीश कुमार हमारे सरकार में जब थे, जब मैंने उनको 1996 से सम्मान दे करके उनको 6 सीट से लेकर के उनको 118 तक ले गए थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जदयू का झंडा माथा अपने कंधा पर रख करके, भाजपा के कार्यकर्ता और जदयू का झंडा लेकर के पूरे बिहार में हम जन जागरण किए थे। और आज के परिस्थिति में उन्होंने बार बार धोखा देने का काम कर रहे हैं, यदि जनता उनको सबक सिखाएगी, उनको औकात में ला देगी 2024 में, और जो सपना है प्रधानमंत्री बनने का वो भी सपना उनका चकना चूर होगा। और यहाँ की जनता काफ़ी जागरूक है और संवेदनशील है, वो ध्यान दे रही है। यहाँ गरीब वर्ग भी उनके साथ, भारतीय जनता नरेंद्र भाई मोदी के साथ है और इस प्रकार से हम देश में अगले 24 की तैयारी के दृष्टिकोण से भी ये कार्यक्रम एक मन में सबके लालसा के रूप में ये झलका है।